अस्सलामुअलैकुम पीर साईं। पीर साईं, मुझ पे 5 लाख का कर्जा चढ़ा हुआ है, मेरे लिए दुआ करो कि मैं कर्जा उतारने के काबिल हो जाऊं। ठीक है, मैंने दुआ कर दी है, लेकिन हदिया दो। पीर साईं, ये 25,000 रुपया है। पीर साईं, मुझे एक बात की समझ नहीं आई, जब वो आया तो वो 5 लाख का कर्ज ही था और 25,000 आपको दे कर गया, वो 5,25,000 का कर्ज ही हो गया। गुस्ताख, तुझे अपने पीर से बात करने की तमीज नहीं है? तुझे पता नहीं है मैं गद्दी नशीन पीर हूँ। बाबा जी, मेरे गुर्दे में दर्द है, मुझे दम करो। हाँ बैठो, दूसरी तरफ मुंह करके बैठो। इधर ऊपर मार, दूसरी तरफ मुंह करो। ये देखो, इतना बड़ा पत्थर। हाँ बाबा जी, अभी तक मेरी दर्द नहीं गई। घर जाके रेस्ट करो, आराम आ जाएगा। ठीक है, ये भी ले जाओ। ओए, इस तरह कर जा, मेरे सर में बड़ी दर्द है, मेरे लिए एक गोली लेके आ। बाबा जी, कोई देख नहीं रहा तो आपसे एक बात पूछूं? पूछो। बाबा जी, आपने दम किया और उसके गुर्दे की पथरी निकाल दी। हाँ। आप खुद को दम नहीं कर सकते? हैं? गुस्ताख, जबान चलाता है आगे से, जितना बोला है इतना कर। बाबा जी, मैंने तो बात पूछी है कि उसकी पथरी आपने ऐसे ही निकाल दी, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। मैंने कहा है कि आपका दम आपके सर पे काम नहीं करता। ओए बदतमीज, तुझे पता नहीं है मेरा सर सर दर्द से फटा जा रहा है और तू यहाँ खड़ा बातें कर रहा है। यहाँ जाकर गोली लेकर आ। अच्छा, लेकर आता हूँ। ओए सुन, इधर आ, इधर आ, जा मेरे दरबार से दफ हो जा, मुझे तेरे जैसे गुस्ताखों की कोई जरूरत नहीं। पता नहीं कैसे कैसे पीर है, वो लोगों की पथरियाँ निकाल देते हैं और खुद के सर का दर्द नहीं ठीक कर सकते। अल्लाह तुमसे पूछेगा। जाओ जाओ, मांग लो मांग लो, जो कुछ मांगना है बाबे से मांग लो। ये लो बाबा। ना 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 ना, मैं कुछ नहीं लेता, जो कुछ लेता है पापा लेता है। रख दो वहां पे अदब से। बाबा जी, हमारे पास पैसे नहीं है। ओए बेटा, तुम्हारे पास मोबाइल है? जी मोबाइल तो है। बेटा मोबाइल ही रख दो, बाबे ने भी इधर उधर गपशप लगानी होती है ना। मांग लो मांग लो, जो कुछ मांगना है मांग लो। मैं अभी तेरा इलाज करता हूँ। Oh no! ओए रुक 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 रुक, ये सारे पैसे हमारे कहाँ लेके जी भाग गया है? मुझे तो इस बाबे ने बोला है कि ये पैसे उठा लो। ओए तू किसी और को जाके बेवकूफ बना, इस बाबे को तो मरे हुए 5 साल हो गए, ये कैसे बोल सकता है? अगर ये बोल नहीं सकता तो ये दुआएं किस तरह कबूल कर सकता है? हैं? लगता है आवाम को शऊर आने लग गया है। ओए बहाने बंद कर, चल चल पैसे वापस कर। पैसे मैं वापस नहीं करूंगा, मुझे बाबे ने दिए हैं। तुमने ज्यादा जिद की ना तो मैं बस्ती वालों को बता दूंगा कि ये ढोंगी बाबा है। ओए होए, ये तो सारे पैसे लेके भाग गया। चलो कोई नहीं, जब तक जाए आवाम जिंदा है, हम जैसे पीर भूख नहीं मरेंगे। कोई नहीं है, नए मुर्गे आके फंसेंगे।